फार्मा कंपटीशन एग्जाम की तैयारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो देखने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राम प्रकाश प्रजापत और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल फार्मा कंसल्ट फॉर कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम टैबलेट ए ब्रीफ स्टडी टॉपिक लेकर आए हैं, जिसके अंदर टैबलेट से संबंधित वेरी इंपॉर्टेंट 10 MCQs पूछे जाएंगे और उनका फुल एक्सप्लेनेशन डिस्कस किया जाएगा, जिससे कि सारे कंसेप्ट क्लियर हो सकें। वीडियो के अंत में आपसे एक गोल्डन क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। दोस्तों, आपका एक लाइक या एक कमेंट हमारे अंदर फिर से नए टॉपिक बनाने के लिए हमें नई एनर्जी प्रोवाइड करता है, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें वे गोल्डन क्वेश्चन का आंसर अवश्य दें। तो चलिए आज कुछ नया सीखते हैं। फ्रेंड्स, द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टूडेज टॉपिक इज द आर्टिफिशियल स्वीटनर विच इज अबाउट 500 टाइम्स स्वीटर देन सुक्रोज एंड हैज बिटर आफ्टर टेस्ट इज ऑप्शन ए मैनिटोल, ऑप्शन बी सैकेरिन, ऑप्शन सी एस्पार्टम एंड ऑप्शन डी सॉर्बिटॉल। तो फ्रेंड्स, क्या आंसर होना चाहिए इसका? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज सैकेरिन। फ्रेंड्स, अगर हम इसके बारे में डिस्कस करें तो सैकेरिन इज अबाउट 500 टाइम्स स्वीटर देन सुक्रोज एंड इट हैव बेटर आफ्टर टेस्ट कार्सिनोजेनिक एंड म्यूटाजेनिक प्रॉपर्टी। नेक्स्ट देखें एस्पार्टम, इट इज अबाउट 200 टाइम्स स्वीटर देन सुक्रोज एंड अनस्टेबल इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर। अगर हम बात करें मैनिटोल की तो इट इज़ यूज्ड एज डाइल्यूएंट एंड स्वीटनिंग एजेंट इन च्यूएबल टैबलेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर ऑन टैबलेट सरफेस इज कॉल्ड ऑप्शन ए पिकिंग, ऑप्शन बी स्टिकिंग, ऑप्शन सी मॉटलिंग एंड ऑप्शन डी लेमिनेशन। तो फ्रेंड्स, क्या आंसर होना चाहिए इसका? द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज मॉटलिंग। फ्रेंड्स, मॉटलिंग इज ड्यू टू माइग्रेशन ऑफ डाई टू द ग्रेन्यूल सरफेस ड्यूरिंग ड्राइंग। इससे क्या होगा, आपकी टेबलेट की सरफेस पे जो कलर होगा वो अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। बाय चेंजिंग सॉल्वेंट सिस्टम, रिड्यूसिंग द ड्राइंग टेम्परेचर और ग्राइंडिंग टू ए स्मॉलर पार्टिकल साइज ओवरकम दिस प्रॉब्लम। नेक्स्ट देखें पिकिंग, इफ मटेरियल इज पिक्ड अप बाय द अपर पंच फ्रॉम द अपर सरफेस ऑफ द टेबलेट इज कॉल्ड पिकिंग। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें स्टिकिंग की तो द मटेरियल स्टिक्स टू द वॉल ऑफ डाई इज कॉल्ड स्टिकिंग एंड पिकिंग एंड स्टिकिंग अकर्स व्हेन ग्रेन्यूल हैव एक्सेसिव मॉइस्चर कंटेंट एंड पंच टिप हैव एनग्रेविंग और एम्बोसिंग। यानी पंच की टिप पे अगर कोई नाम लिखा हुआ है उसकी वजह से कुछ उभार आ गया है या उसके अंदर कुछ दशाव आ गया है तो वहाँ पे आपकी पिकिंग और स्टिकिंग की प्रॉब्लम ज़्यादा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। पार्शियल और कंप्लीट रिमूवल ऑफ द टॉप और बॉटम क्राउन ऑफ ए टेबलेट फ्रॉम द मेन बॉडी इज कॉल्ड ऑप्शन ए लेमिनेशन, ऑप्शन बी केपिंग, ऑप्शन सी मॉटलिंग एंड ऑप्शन डी ऑरेंज पील इफेक्ट। यानी कि टेबलेट का टॉप या बॉटम क्राउन अगर पार्शियली या कंप्लीटली रिमूव हो जाता है मेन बॉडी से तो क्या कहलाएगा? तो आंसर आएगा आपका ऑप्शन बी, दैट इज केपिंग। फ्रेंड्स, केपिंग इज पार्शियल और कंप्लीट रिमूव ऑफ द टॉप और बॉटम क्राउन ऑफ टेबलेट एंड लेमिनेशन इज सेपरेशन ऑफ टेबलेट इन टू टू और मोर डिस्टिंक्ट लेयर। अगर अलग अलग लेयर में सेपरेशन हो जाता है तो उसको हम लेमिनेशन कहते हैं। और इसका क्या कारण है और इसे कैसे करेक्टेड किया जा सकता है ये देखें। तो फर्स्ट रीजन इज एयर एंट्रैपमेंट, प्री कंप्रेशन ऑफ टेबलेट कैन रेक्टिफाई दिस प्रॉब्लम। सेकेंड, डीप कॉनकेव पंचेज बाई यूजिंग फ्लैट पंचेज स्लोइंग द टेबलेटिंग रेट एंड रिड्यूसिंग द फाइनल कंप्रेशन प्रेशर ओवरकम दिस प्रॉब्लम। नेक्स्ट देखें, ड्राई ग्रेनुलेशन की वजह से भी ये प्रॉब्लम आ सकती है, तो इसको रेक्टिफाई करने के लिए बाई एडिंग हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंसेज फॉर एग्जाम्पल सॉर्बिटॉल एंड पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल वी कैन ओवरकम दिस प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 4। डाइल्यूएंट काउजिंग मिलार्ड रिएक्शन
that should not be used with amine containing drug is option A starch, option B lactose, option C anhydrous lactose and option D HPMC. फ्रेंड्स, ये पिछले टॉपिक में आपको गोल्डन क्वेश्चन के अंदर भी पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, दैट इज लैक्टोज। फ्रेंड्स, एनहाइड्रस लैक्टोज हैव एडवांटेज ओवर लैक्टोज इन दैट इट डज नॉट अंडरगो मिलार्ड रिएक्शन। एनहाइड्रस लैक्टोज मिलार्ड रिएक्शन नहीं करता है, जबकि लैक्टोज या हाइड्रेटेड लैक्टोज होगा तो उसमें मिलार्ड रिएक्शन होगी ड्यू टू देयर मॉइस्चर कंटेंट। Drug having amino group, nitro group and metals so Maillard reaction with lactose. Next question देखें, question number 5. एक डाइसोल is option A cross linked sodium carboxymethyl cellulose, option B used as disintegrates in tablet formulation, option C effective in low concentration and option D all. तो इसमें क्या राइट आंसर होना चाहिए? द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज ऑल। फ्रेंड्स, क्रॉस लिंक्ड सोडियम कार्बोक्सी मिथाइल सेल्यूलोज, जिसको हम एक डाइसोल भी कहते हैं, एंड क्रॉस लिंक्ड पॉलीवाइनिल पायरोलिडोन स्टार्च ग्लाइकोलेट एंड क्रॉस कार्मिलोज आर कॉल्ड सुपर डिसइंटीग्रेंट्स एज दे आर इफेक्टिव इन लो कंसंट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 6। एक्सिपिएंट्स used to promote flow of the tablet granulation or powder material by reducing friction between the particle are called, यानी ऐसे एक्सिपिएंट जो फ्लो प्रोमोटर होते हैं और टेबलेट ग्रेन्यूल्स के पार्टिकल्स के बीच में फ्रिक्शन को रिड्यूस करते हैं, क्या कहलाएंगे? ऑप्शन ए लुब्रिकेंट, ऑप्शन बी एंटी एडहेरेंट, ऑप्शन सी ग्लाइडेंट्स एंड ऑप्शन डी पॉलिशिंग एजेंट। तो फ्रेंड्स, क्या आंसर होना चाहिए इसका? द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज ग्लाइडेंट्स। फ्रेंड्स, ग्लाइडेंट्स आर फ्लो प्रोमोटर, फॉर एग्जांपल टाक इन 5% कंसंट्रेशन। लुब्रिकेंट्स की बात करें तो दीज रिड्यूस द फ्रिक्शन ड्यूरिंग टेबलेट इजेक्शन बिटवीन वॉल्स ऑफ टेबलेट एंड वॉल्स ऑफ डाई कैविटी, यानी जब टेबलेट आपकी इजेक्ट होगी बाहर निकलेगी उस समय टेबलेट की वॉल और डाई कैविटी की वाल के बीच में जो फ्रिक्शन होगा उसको रिड्यूस करेंगे, फॉर एग्जांपल स्टेरिक एसिड एंड इट्स साल्ट। नेक्स्ट देखें, एंटी एडहेरेंट्स, तो दीज रिड्यूस स्टिकिंग और एडिशन ऑफ टेबलेट ग्रेन्यूलेशन टू द फेसेज ऑफ पंच और डाई वाल, यानी ऐसे एक्सिपिएंट्स जो डाई वाल या पंच की फेस के ऊपर टेबलेट ग्रेन्यूलेशन को चिपकने से रोकेंगे वो एंटी एडहेरेंट कहलाएंगे, फॉर एग्जांपल टार्क। एंड नेक्स्ट देखें, पॉलिशिंग एजेंट, जिसका एग्जांपल है आपका कोलोइडल सिलिका, जिसका एक ट्रेड नेम आता है केव ओ सिल। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। प्राइमोजेल एंड एक्सप्लोटेव आर ऑप्शन ए मॉडिफाइड सिलिका जेल, ऑप्शन बी मॉडिफाइड स्टार्च, ऑप्शन सी मॉडिफाइड सीएमसी एंड ऑप्शन डी नन। तो फ्रेंड्स, क्या आंसर आना चाहिए इसका? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज मॉडिफाइड स्टार्च। फ्रेंड्स, प्राइमोजेल एंड एक्सप्लोटेव आर मॉडिफाइड स्टार्च यूज्ड एज डिसइंटीग्रेंट्स इन टेबलेट मैन्युफैक्चरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। द सीक्वेंसेज ऑफ शुगर कोटिंग ऑफ टेबलेट फॉलो द ऑर्डर, ऑप्शन ए फर्स्ट सील कोटिंग, फिर सब कोटिंग, फिर सिरपिंग, फिर फिनिशिंग एंड लास्ट पॉलिशिंग। ऑप्शन बी सब कोटिंग, देन सील कोटिंग, देन सिरपिंग, देन फिनिशिंग एंड देन पॉलिशिंग। नेक्स्ट ऑप्शन सी सब कोटिंग, देन सिरपिंग, देन सील कोटिंग, देन फिनिशिंग एंड देन पॉलिशिंग। एंड ऑप्शन डी सील कोटिंग, देन सिरपिंग, देन सब कोटिंग, देन फिनिशिंग एंड देन पॉलिशिंग। तो फ्रेंड्स, इसमें से राइट सीक्वेंस क्या होगी? द राइट सीक्वेंस इज ऑप्शन ए, दैट इज सबसे पहले सील कोटिंग करते हैं, उसके बाद में सब कोटिंग होगी, फिर नेक्स्ट स्टेप होगा सिरपिंग का, फिर फिनिशिंग का और सबसे लास्ट में पॉलिशिंग का। फ्रेंड्स, शुगर कोटिंग इंक्रीजेज द वेट ऑफ टेबलेट अप टू 50%। अगर हम वेरियस स्टेप्स के बारे में देखें तो सबसे पहले सील कोटिंग देखते हैं, इट प्रिवेंट
moisture penetration, and the various agents used in seal coating are Sealec and Jean. Next देखें sub coating step. It increase size or bulk of tablet. For example, acacia and gelatin are used in sub coating. Next देखें syrupping. It is used to cover roughness of sub coating. And colorants are added during this step generally. अगर हमें colorant डालना है तो हम syrupping step में डालते हैं. नेक्स्ट देखें फिनिशिंग. इट इज यूज टू परफॉर्म विथ सिरप टू स्मूथन टेबलेट सरफेस. एंड लास्ट स्टेप पॉलिशिंग, जिसे हम बीज वॉक्स से करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9. प्लास्टिसाइजर्स यूज ड्यूरिंग टेबलेट कोटिंग इज ऑब्लिक आर. ऑप्शन ए सोर्बिटॉल, ऑप्शन बी ग्लिस्टिन, ऑप्शन सी कैस्टर ऑयल एंड ऑप्शन डी ऑल. तो फ्रेंड्स, कौन से प्लास्टिसाइजर्स टेबलेट कोटिंग में काम में आते हैं? तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन डी, दैट इज ऑल. फ्रेंड्स, ड्यूरिंग टेबलेट कोटिंग द वेरियस एक्सिपिएंट्स यूज्ड आर फर्स्ट प्लास्टिसाइजर्स, जिसके एग्जांपल होंगे ग्लिसरीन और सॉर्बिटॉल जो कि वाटर सोल्यूबल है, और कैस्टर ऑयल जो कि ऑयल सोल्यूबल है. इसी तरीके से फिल्म फॉर्मिंग और फिल्म कोटिंग एजेंट में आपका काम आएगा इथाइल सेल्यूलोज, जिसका 30% सॉल्यूशन एक्वा कोट के नाम से आता है, जो जनरली यूज में लिया जाता है. एंटेरी कोटिंग एजेंट के रूप में काम आता है सेल्यूलोज एसीटेट थैलेट, और जो हमने पिछले वीडियो में भी इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट एंटेरी कोटिंग एजेंट देखे थे, वो इसमें काम आएंगे, जो थैलेट डेरिवेटिव और एक्रिलेट डेरिवेटिव होते हैं. नेक्स्ट देखें कलरेंट्स, इसमें आता है एज पर डीएनसी एंड एफडीएनसी कलर्स यूज में लिया जाता है. एंड लास्ट ओपेसिफाइंग एजेंट, जिसमें हम काम में लेते हैं टाइटेनियम डाइऑक्साइड को. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10. अनइवन कलर ऑन कोटेड टेबलेट ड्यूरिंग कोटिंग ऑफ टेबलेट इज कॉल्ड. ऑप्शन ए ब्रिजिंग, ऑप्शन बी ऑरेंज पील इफेक्ट, ऑप्शन सी ब्लिस्टरिंग एंड ऑप्शन डी ब्लूमिंग. तो फ्रेंड्स, क्या आंसर होना चाहिए इसका? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज ऑरेंज पील इफेक्ट. फ्रेंड्स, अगर हम बात करें इसके बारे में, तो ऑरेंज पील इफेक्ट और बम्पी इफेक्ट इज अनइवन कलर्ड ऑन कोटेड टेबलेट, एंड इट इज ड्यू टू टू रैपिड ड्राइंग ऑफ कोटिंग मटेरियल और बाय हाई विस्कोसिटी सॉल्यूशन. तो फ्रेंड्स, अब वक्त आ गया है आज के गोल्डन क्वेश्चन का. द गोल्डन क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो इज डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट आर नॉट रिक्वायर्ड ड्यूरिंग मैन्युफैक्चर ऑफ. ऑप्शन ए सबलिंगुअल टेबलेट, ऑप्शन बी च्यूएबल टेबलेट, ऑप्शन सी एंटेरिक कोटेड टेबलेट एंड ऑप्शन डी फिल्म कोटेड टेबलेट. तो फ्रेंड्स, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर भेजें. आपका एक कमेंट या एक लाइक हमारे अंदर एक नई एनर्जी प्रोवाइड करता है. अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, तथा साथ ही साथ बेल आइकन दबा दें, जिससे आने वाले सभी वीडियोज आपको सही समय पर मिलते रहें. मैं राम प्रकाश प्रजापत आपसे फिर मुलाकात करूंगा एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ. तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम एंड थैंक्स.